फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइलिंग और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश करने का ड्यू डेट 28 फरवरी 2021 है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 2 करोड़ रुपये तक एग्रीगेट टर्नओवर वाले रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न की फाइलिंग ऑप्शनल है। 2 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपये तक एग्रीगेट टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न GSTR 9 की फाइलिंग कंपलसरी है, लेकिन रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन GSTR 9C अलोंग विद ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की फाइलिंग ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, वहीं 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए GSTR 9 और GSTR 9C अलोंग विद एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स को फर्निश करना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार यह देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने GST एनुअल रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के एक्सटेंशन से रिलेटेड पिटीशन पर क्या कहा। फ्रेंड्स, GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि यदि पिटीशनर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होता और वह किस कारण से 28 फरवरी तक अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है उसके बारे में पिटीशन में बताता तो हम उसके ऊपर विचार करते, लेकिन पिटीशनर एक प्रोफेशनल बॉडी है और वह भी यह पिटीशन 11th आवर में फाइल किया गया है, इसलिए इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के द्वारा फाइल किए गए पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। फ्रेंड्स, वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 2017-18 के एनुअल रिटर्न फाइलिंग के डेडलाइन के एक्सटेंशन से रिलेटेड डिसीजन के ऊपर रोक लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव मच टाइम, सो फाइल एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड GSTR 9C अलोंग विद ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स इफ एप्लीकेबल विद इन 28 फरवरी 2021 फॉर द फिनेंशियल ईयर 2019-20। फ्रेंड्स, इसके अलावा जिन्होंने GSTR 3B फर्निश नहीं किया है वो भी अपना GSTR 3B लेट फी देकर फर्निश कर ले। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।